फ्रेंड्स, मैं तेजस्विनी शर्मा आपकी प्यारी पी हूँ। एक बार फिर से अपने किचन गार्डन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लगातार आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं और आप सभी हमसे पूछते रहते हैं कि आपके जो ग्रो बैग्स हैं, आप वेजिटेबल्स जो ग्रो करते हैं तो उसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मिट्टी से ही रिलेटेड है कि हम अपने ग्रो बैग्स को, पॉट्स को कैसे मिट्टी बनाते हैं और कैसे उसमें इसको भरते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पुराने ग्रो बैग जो थे उनकी पुरानी फसल ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा उनको खाली किया है, नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने ये सारी मिट्टी पुराने गमले और ग्रो बैग की निकाल के डाल दी। उसमें बराबर की मात्रा में हमने गोबर का खाद मिलाया है और ये अब मिलाने जा रहे हैं हम इसमें। दिखाओ भाई, दिखाओ जरा, ये नीम की खली है, सीधा करो, ये पढ़ने में नहीं आ रहा। ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फाइन है, इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। और इससे फंगीसाइड का काम करेगा, कोई भी रोगों में नहीं आएगा। ये बहुत ही एक तरह से डस्ट है, बहुत ही अच्छी, आप देख रहे हैं बिल्कुल चूरा हुआ है ये, एक तरह से हाथ में लेके दिखाओ भाई जरा, बिल्कुल चूरे के आकार में है। और ये पूरा हमने इसमें मिला लिया है, 1 किलो का पैकेट था ये। और इसके बाद हम इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो इस प्रोडक्ट में है, वो दिखा दीजिए जरा डिब्बा। ये एनर्जी के नाम से मिलता है, बाजार में आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने पौधों को चाहिए वो सब हैं। तो ये एक पैकेट हम इसका इसमें हम मिला देंगे। ये सब की सब जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें मिलाई जा रही, कोई भी केमिकल नहीं है, सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं और इनमें बहुत अच्छी ताकत है। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसमें एक जेल का डिब्बा और होगा, वो लाइए जो जेली से तैयार हुआ। हाँ, ये निकालिए, इसमें से आधा ले लीजिए आप, ये इसको खोलिए और दिखाइए जरा, इसको प्रोडक्ट को दिखाइए। ये डीप जेल करके है और इसके अंदर भी जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए, ये आप देखते हैं हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े टमाटर, आलू जैसी फसल, बड़ी बड़ी ब्रोकली, कद्दू, बहुत बड़े बड़े छत पे हम उगा देते हैं, गमलों में उगा देते हैं, तो उनमें जो ताकत चाहिए वो उसके लिए मिट्टी तैयार करते हम इन चीज़ों से ही करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इन दोनों में से जो भी उपलब्ध हो वो हम हर 8 दिन बाद देते हैं। ये बिल्कुल देखो जेल की तरह निकला है और ये इसमें हम मिलाएंगे, इसमें से भाई आधा इसमें मिला लीजिए मिट्टी में और सबको मिक्स करके फिर दोबारा हम इसको ग्रो बैग में भरेंगे। पूरी अच्छी तरह से हमने ये मिला दी है और इसका कलर देखिए आप, कितना सुंदर बन गया है। अब गमलों में थोड़ा थोड़ा नीचे सूखी पत्तियां डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी, जिससे वाटर ड्रेन होने में दिक्कत नहीं हो। सब में छेद होना जरूरी है, जो छेद बंद हो गए होंगे उन्हें खोलेंगे हम। ये देखो, ये पुराने पेंट के डिब्बे थे जिसमें हम ये करते हैं, इसमें से ये पुरानी मिट्टी निकाली थी। अब इसमें हम इसके होल वगैरह देखना भाई, होल दिखाओ, होल है कि नहीं उसमें, नहीं है तो उनको करो। हाँ, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी ड्रेन हो जाए। इसमें सूखी पत्तियाँ थोड़ी सी डाल लीजिए और फिर उसके बाद में इसे भर दीजिए। ये सारी मिट्टी मिक्स हो, इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, आखिर में ये मिट्टी बनके तैयार हो गई है। अब ये माली अंकल इसमें इसको भर रहे हैं। देखा
कि मिट्टी कैसे तैयार होती है, पापा ने आपको बता ही दिया। और मिट्टी तैयार होने के बाद हमारे ग्रो बैग्स भैया भर रहे हैं, और आपने देखा सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी कि मिट्टी कैसे तैयार होती है। और हमारे ये जो ग्रो बैग्स हैं, हमारी समर के जो हम शीट्स लगाएंगे उसके लिए लगभग हम अपने ग्रो बैग्स को भरना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी आपको पता है कि चल ही रहा है फरवरी का मंथ जो है, तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स हम अब अपने शीट्स लगाएंगे तो उसके लिए हमने प्रॉपर मिट्टी तैयार कर ली है। ग्रो बैग्स हमारे भर के तैयार हो गए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फरवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, कौन कौन से शीट्स लगाते हैं। तो फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।